नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। सरदना सीट से गठबंधन के प्रत्याशी श्री अतुल प्रधान जी ने आज नामांकन किया। अपने अपने साथियों सहित कचहरी परिसर पहुंचे और सरदना सीट से नामांकन किया। अतुल जी, क्या तैयारी है जीत की? गठबंधन इस बार कितना सीट ले रहा है और आपकी सीट? देखिए, पहला गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी का जनता से है, जनता से कमिटमेंट है। जो समाजवादी पार्टी ने पूर्व की सरकार में वादे किए वो अपनी सरकार में पूरे किए। आज इस समय पर जहां पश्चिम में आरएलडी के साथ गठबंधन किए हुए, वहीं छोटे छोटे दलों से, पार्टियों से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। और मैं देख रहा हूं कि लोगों में उत्साह है, और उत्साह है इस चीज़ का कि जो इन लोगों ने गलत किया उनको वोट डालने का मौका मिल रहा है 10 फरवरी को। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी तरीके से भाजपा का सफाया इस उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। आपकी बड़ी हॉट सीट बनी हुई है सरगना, क्योंकि वो पिछली 2 बार से विधायक हैं संदीप सोन, सीधा मुकाबला उनसे या किसी और? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप लगातार घूमते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, वो भी इतने दिनों से विधायक हैं। जनता मूल्यांकन करेगी उनके 10 साल का और हमारे विपक्ष में रहकर घूम कर काम करने के 10 साल का। जो मूल्यांकन होगा वो हम लोगों को स्वीकार होगा। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जिस तरह सरदना में हुआ और सरदना के साथ साथ पूरे प्रदेश में हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि मैं सरदना से चुनाव लड़ता हूँ और वो भी लड़ते हैं, वहाँ से 2 बार जीते हैं, इसलिए मुझे सब चीज़ें वहाँ की पता हैं। ज़मीनों पर कब्जे, सलेटर हाउस में उनकी हिस्सेदारी, तमाम ऐसे काम जिसमें वो लोग इन्वॉल्व रहे, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, और किस तरह थाने में, तहसील में तानाशाही हुई, फर्जी मुकदमे लोगों पर लाद दिए गए। आप सोच के देखिए, हमारे पूर्व के विधायक अभी हमारे साथ थे, चुनाव लड़ाए उनको चंदवी जी ने, और उन्हीं के परिवार पर, उनके खुद के ऊपर, उनके पूरे परिवार पर मुकदमे लगवा दिए इस विधायक ने। और ऐसी तानाशाही चली पूरे के पूरे 5 साल, लेकिन हम सड़कों पर लड़ते रहे। कोरोना के पूरे समय में समाजवादी पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर लोगों का सहयोग किया, लोगों के साथ खड़े रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले 10 तारीख को जनता इन तानाशाहियों से, भ्रष्टाचारियों से हर चीज़ का हिसाब लेगी। और ये राष्ट्र द्रोही अगर कोई असली है, राष्ट्र को ख़त्म करना कोई कुछ चाहता है, इस देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। प्रधानमंत्री जो है आपके क्षेत्र में रैली करके गए, कितनी बड़ी चुनौती मानी? देखिए, प्रधानमंत्री जी की रैली जनता की रैली नहीं थी, ये सरकारी रैली थी। गाँव के आंगनवाड़ी आशाएं, कायत्रियां, सफाई कर्मचारी, गांव के प्रधान, स्कूल के टीचर, आपके यहां तक की जिम्मेदारी दे रखी थी। गांव के प्रधानों को धमकाया जा रहा था, डांटा जा रहा था उनको कि आपको भीड़ लेकर आनी है। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, अरे आपको किसने मना किया था जो ये यूनिवर्सिटी के लिए आप आए? अरे 5 साल पहले करते, उसको पूरा कर लेते काम को। 22 करोड़ रुपये के लगभग उनके इस प्रोग्राम में खर्च हुआ, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को ठेंगा, कुछ भी नहीं। वहीं उसके बराबर में एक दादरी गांव है, इनके काम का नमूना बताता हूं आपको। गर्ल्स पीजी कॉलेज हम लोगों ने उसकी शुरुआत की थी, पैसे आवंटित कर देते, जैसे ही ये सरकार आई ये उस स्कूल का काम रुकवा दिए। हर जगह जहां जहां घूम घूम कर देखेंगे, इन्होंने झूठ के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। महंगाई और भ्रष्टाचार, क्या हाल है महंगाई का, क्या हाल है रोजगार का, क्या हाल है किसानों का? और यहाँ पर किसानों का आंदोलन जो हुआ, और ये जो इस समय की चीज़ें चल रही हैं, आप सब लोग समझ के देख सकते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को भी अगर आपने कहीं सच दिखाने की कोशिश की, आप लोगों के ऊपर भी सरकार ने मुकदमे ला दे। और कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई जहाँ पत्रकारों को भी मार दिया गया। तो जनता देख रही है उन्नाव का, कुलदीप सेंगर कांड, चिमियानंद, गोरखपुर का वो हमारे व्यापारी जिसको पुलिस ने पीट पीट कर मार दिया, ये फेक इंकाउंटर। सबसे ज़्यादा अगर कस्टोडियल मौत कहीं पे हुई है तो इसी सरकार में हुई। सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स ने अगर किसी को, कमीशन ने किसी को नोटिस दिए तो इसी बीजेपी को दिए हैं। आने वाले समय पर आप देखिएगा उन सब की जांचें होती नजर आएंगी जो इन लोगों ने गलत किया। बताओ, एक आईपीएस फरार है, आज तक नहीं पकड़ पाई पुलिस, आईपीएस फरार। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जनता आशीर्वाद देगी, और मुझे लगता है कि सरदना के लोगों ने, आवाम ने, गरीब ने, मजदूर ने, शोषित ने, वंचित ने, हर वर्ग के लोगों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने ठान रखा है कि जबरदस्त तरीके से भाजपा को सरदना में इस बार हार मिलने वाली है। इस बार आरएलडी और सपा का गठबंधन कामयाब होगा? अतुल भाई, इन्हीं से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है
कि लगातार एक के बाद एक चैनल जो है सर्वे दिखा रहे हैं, और उसमें जो है जो हमेशा से जो अभी दो तीन सर्वे आए हैं टीवी चैनलों के, और उसमें भाजपा को और आरएलडी उसको गठबंधन को दूसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है। एक तरफ जो है कोरोना काल में आप प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, एक तरह से इस तरीके से प्रोपेगेंडा किस तरीके से देखिए जनता ने मन बना रखा है, जिस तरह लॉकडाउन किया और जिस तरह लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन कमी और सड़कों पर अपने लोगों को खोते हुए देखा, मरते हुए देखा, जिस तरह गंगा माँ के आंचल में लोगों को लाशों को लपेट कर डाल दिया गया, ये सब ने देखा। जहाँ तक बात है आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की, आप देखिएगा सहारनपुर से लेकर जहाँ तक गठबंधन की सीटें गठबंधन के प्रत्याशियों पर गई हैं, एक एक व्यक्ति जीतता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। देखिए गठबंधन, हम लोग किसानों के आंदोलन में और तमाम चीज़ों में रहे हैं, गठबंधन ये जमीनी गठबंधन है और ये निश्चित रूप से जीत की तरफ जाएगा। बहुत